उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, ताड़े तनो मेड़ो लागो लागो इतनो हेड़ो। यस, रईस मूवी का सॉन्ग है जिसमें तने तरनो मेड़ो उसके बारे में बताया है। तो नाउ क्लास 8 का एक चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग अबाउट द तने तर फेयर। देखो उसके आगे द आर्टिकल लगाया है, मतलब एक यूनिक मेला है। तो इंडिया में बहुत सारे मेले होते हैं, उसमें सबसे पॉपुलर है कुंभ का मेला जिसमें लोग बिछड़ जाते हैं ना, भवनाथ का मेला, वौठा का मेला। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द तने तर फेयर। तो हम इंडिया के जो हेरिटेज की बात करें, कल्चरल हेरिटेज, तो एकदम रिच है। तो हर स्टेट का कल्चरल हेरिटेज है, तो गुजरात का भी कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है और उसकी वजह से बहुत टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं गुजरात में। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बन गया है और अहमदाबाद को द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस भी मिल गया है। तो गुजरात के अंदर ये तरणेतर फेयर होता है, तो देखते हैं उसके बारे में क्विक। तरणेतर नाम का गाँव है, विलेज, 8 किलोमीटर फ्रॉम टाउन थानगढ़। थानगढ़ एक टाउन है छोटा, उससे 8 किलोमीटर दूर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? सुरेंद्रनगर। दिस फेयर इज बेस्ड ऑन द्रौपदी स्वयंवर, ऐसी पुरानी स्टोरी है, लीजेंड। तो ऐसा बताया गया है कि द्रौपदी का स्वयंवर इस जगह के ऊपर हुआ था, उधर तरणेतर महादेव मंदिर है उधर। ये मेला कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक, 3 डेज। इंग्लिश महीने के हिसाब से देखें तो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है, और गुजराती महीने के हिसाब से देखें तो भादरवा सूद, चौथ, पांचम और छठ। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे गुजराती वर्ड देखने को मिलेंगे। इस मेले की स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट्स? तो यंग ट्राइबल मैन एंड वुमेन वो अपने मैरिज पार्टनर को ढूंढने के लिए इस मेले में आते हैं। तो है ना एकदम स्पेशल मेला, अपना मैरिज पार्टनर ढूंढना है। तो ऐसा नहीं है आप एज अ विजिटर अगर आपको स्पाउस नहीं ढूंढना है तो भी आप देखने के लिए जा सकते हो। इसके और स्पेशलिटी क्या है? तो रबारी वुमन ऑफ झालावाड़ उधर एक अच्छा डांस परफॉर्म करती है जिसे बोलते हैं राहड़ो। उसके अलावा रास भी परफॉर्म करते हैं, वो लोग डांस करते हैं जो ड्रम है उसकी बीट के ऊपर। द कोलीस ऑफ सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र का एक ग्रुप है ट्राइबल कोली, वो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं अम्ब्रेला के ऊपर, वो बहुत अट्रैक्टिव है। उसके अलावा मैरी गो राउंड्स, फोटोग्राफर स्टॉल्स, मैजिक शोज, टैटू आर्टिस्ट, ये सब इस मेले के अट्रैक्शन है जो विजिटर को अट्रैक्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन है, वो गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी आपको पता है। ओके, अब लाइन टू लाइन चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। द तरणेतर फेयर, देखो आपको पिक्चर दिख रहा है तो उसके अंदर एक लड़का सामने एक लड़की डांस कर रही है और बहुत सारे लोग आगे पीछे डांस कर रहे हैं और उनके कपड़े बहुत अच्छे ट्रेडिशनल है। बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ द्रौपदी स्वयंवर, दिस फेयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एथनिक, एथनिक का मतलब है ट्रेडिशनल, ऑफ अ नेशन और रेशियल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ट्रेडिशनल आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। गुजरात फोक डांस म्यूजिक कॉस्ट्यूम्स एंड द आर्ट्स सेंटर्ड अराउंड यंग ट्राइबल मैन एंड वुमेन सीकिंग मैरिज पार्टनर्स। तो इस मेले में आपको गुजरात का लोक नृत्य, उसके जो कॉस्ट्यूम है मतलब कपड़े, आर्ट मतलब कला, वो सब देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ये मेला, इस मेले के सेंटर में इसका हार्ट क्या है? तो यंग ट्राइबल मैन एंड वुमेन वो अपने मैरिज पार्टनर को ढूंढने के लिए आते हैं। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज कैप्टिवेटिंग। तो जिसको स्पाउस नहीं ढूंढनी वो भी देखने के लिए आ सकते हैं और एकदम रोमांटिक, एट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल माहौल क्रिएट होता है। तो स्पेशल अटेंशन आपको इधर देखने को मिलेगा। कैप्टिवेटिंग का मतलब है आपको होल्ड करके रखेगा आपके अटेंशन को। एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी, हर साल इस मेले की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है, अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम गुजरात, एल्सवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड। तो हर साल इधर इस मेले में गुजरात से टूरिस्ट आते हैं, इंडिया के दूसरे हिस्से से भी आते हैं और फॉरेन से भी लोग आते हैं। हियर द मैनी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स, ग्लिटरिंग मतलब चमकते हुए, एंड फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांस,
स्पिरिटेड मूवमेंट्स का मतलब क्या है, तो वो क्विक मूवमेंट समझना है, क्विक मूवमेंट में वो लोग फ्री स्टाइल में डांस करेंगे, ऑफ लोग ऑफ फोक डांस एज ऑल कंबाइंड टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन, तो सब मिलकर एक बहुत अच्छा सीन क्रिएट करेगी। जैसे नवरात्रि में होता है ना, वो सूरत का नवरात्रि आप देखो, तो ऊपर ड्रोन से अगर पिक्चर लेंगे तो एकदम सुपर पिक्चर आएगा। तो इधर एक मेमोरेबल सीन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे कलरिंग कॉस्ट्यूम में, चमकते हुए गहनों में एकदम फ्री डांस कर रहे हैं, अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं क्विकली। एज द डांसर्स सर्ज इन वेव्स ऑफ सर्क्यूलर मूवमेंट, द इंसेसेंट थ्रोबिंग ऑफ द ड्रम्स कीप देम मूविंग इन यूनिसन एंड द ड्रम बीट्स कंटिन्यू थ्रू आउट द डे इवन एज द डांसर्स चेंज फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट। तो पूरा दिन इधर लोगों के अलग अलग ग्रुप आते हैं, ग्रुप डांस होता है, और पूरा दिन जो ड्रम का बीट से वो भी बजता रहता है। ठीक है, ओके, कुछ टॉप वर्ड्स है इसमें देखते हैं। सर्ज इन वो एक फ्रेज है, उसका मतलब है मूव क्विकली एंड पावरफुली, मतलब एनर्जी के साथ क्विकली मूव होना। इन यूनिसन, उसका मतलब है टूगेदर एट द सेम टाइम। और इंसेसेंट, उसका मतलब है कॉन्स्टेंट। थ्रॉबिंग मतलब बीट, मतलब ढोल के ऊपर बीटिंग कर रहे हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड। तो देखो पैसिव स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग टाइप के फोक डांसेस इधर परफॉर्म होते हैं। बाय फार द मोस्ट पॉपुलर इज द रास। इस सब में सबसे पॉपुलर कौन सा फोक डांस है? रास, वो कृष्ण भगवान खेलते थे ना रास। इन विच डांसर्स होल्ड स्टिक्स, स्टिक मतलब डांडिया, टू क्लैक अगेंस्ट दोज, क्लैक मतलब स्टक करना, हिट करना। तो दो डांडिया जो मेटल के या तो वुडन के है वो हिट होते हैं, वो हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो एक साउंड आएगा। क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ अदर डांसर्स, तो सामने जो है उसे क्लैक करेगी। एज मैनी एज 100 वुमन परफॉर्म रासडास इन अ सिंगल सर्कल। देखो एक ही सर्कल के अंदर 200 लेडीज परफॉर्म करेगी इस रासड़ा को, तो एक यूनिक डांस है। टू द बीट्स ऑफ 4 ड्रम्स, 4 ड्रम उधर बजते हैं एट द सेम टाइम एंड ट्यून्स ऑफ जोड़िया पावास। तो ड्रम भी बजते हैं, 4 ड्रम एक साथ बजते हैं, और उसके साथ एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है जोड़िया पावा। पावा मतलब फ्लूट, जोड़िया मतलब ट्विंस, हम ट्विंस बोलते हैं ना, डबल, ऐसा डबल पावा आता है। यू मे ऑल्सो सी पीपल ब्रीक आउट इन टू अ स्पॉन्टेनियस उड़ो, आप उधर उड़ो स्टाइल भी देख सकते हो। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, विदाउट प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं होता, अचानक सडनली वो लोग उड़ो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, रबारी वुमन ऑफ नियर बाय झालावाड़, झालावाड़ एक एरिया है, उसकी रबारी वुमन परफॉर्म करती है द फेमस सर्क्यूलर फोक डांस राहड़ो, राहड़ो बोलेगी। देयर मैरिटियल स्टेटस इज इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स, तो उनके कपड़ों से, कॉस्ट्यूम से पता चल जाता है कि वो मैरिड है या तो अनमैरिड। अ ब्लैक जिमी, जिमी का मतलब स्कर्ट, अगर उन्होंने ब्लैक स्कर्ट मतलब घाघरा पहना है मीन्स सी इज मैरिड, तो वो मैरिड है, फिर उसे प्रपोज नहीं करना है। बट इफ अ वुमन इज वेयरिंग अ रेड जिमी, अगर रेड घाघरा पहना है स्कर्ट, इट मीन्स सी हैज नॉट एट टाइट द नॉट, मतलब अभी उसकी सगाई या तो शादी हुई नहीं है। प्रोबेबली सीकिंग हस्बैंड, और वो अपना हस्बैंड ढूंढने इस मेले में आई है शायद। द पोटेंशियल हस्बैंड सीकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेसेड, तो जो लड़के लोग हस्बैंड मतलब पोटेंशियल मतलब भावी हस्बैंड जो अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए इस मेले में आए हैं, ब्राइड को ढूंढने के लिए, वो बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस, अच्छे से कपड़े पहन के आए हैं। कौन से कपड़े पहने? कलरफुल धोतीस, आर्टिस्टिकली डिजाइन वेस्ट कोट एंड हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट टर्न विद स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलास एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रैलिंग क्विज। तो वो लोग को क्या करना है, तो लेडीज़ को इम्प्रेस करना है, तो अच्छे कपड़े पहने हैं, साथ में वो अम्ब्रेला एम्ब्रॉयडरी वाली लेके घूमते हैं, उसे घुमाते हैं, अच्छी टर्बन पहनी है, धोती पहनी है, ऊपर का कपड़ा भी अच्छा पहना है,
और इस मेले में अच्छे से डांस करेंगे ताकि वो लड़की को इम्प्रेस कर सके और अपना जो बैचलर हुड, मतलब अभी तक बैचलर है, शादी हुई नहीं है, तो वो उससे गिव अप करेंगे, मतलब मैरिड होने का चांसेस है अगर पार्टनर मिल गया तो बाद में शादी करेगी, तो अपना बैचलर हुड इधर उनको गिव अप करना है। रेलिंक्विश का मतलब गिव अप। ये देखो पिक्चर में एम्ब्रॉयडरी वाली अम्ब्रेला है। न्यूमेरियस साधुस एंड भजन मंडलीज आर एंग्रोस्ड इन सिंगिंग। तो पूरा दिन वो लोग बिजी रहते हैं, साधु और भजन मंडली, तो वो म्यूजिक में भजन गाते हैं कंटिन्यूसली अकम्पनीड बाय फोक इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनके जो लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ भजन गाते रहते हैं साधु लोग और भजन मंडली होती है जो रथ यात्रा में देखी हमने ऐसी। द तरणेतर मेला कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द तरणेतर विलेज। तो तरणेतर गांव का बहुत हिस्सा कवर करता है ये मेला। विद अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉल्स पुट अप टू सेल ब्यूटीफुल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स अनअवेलेबल एल्सवेयर। तो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे ऐसे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स इधर सेल होते हैं स्टॉल के अंदर, अलोंग विद एथनिक ज्वेलरी। तो आपको ज्वेलरी भी मिलेगी इधर, ट्रेडिशनल गोल्ड नहीं होती, सिल्वर हो सकती है या तो दूसरी। स्टैचूज ऑफ डेटीज, भगवान के स्टैचूज भी मिलेंगे। एंड ट्रेडिशनल ड्रेस, अटायर का मतलब ड्रेस, विद टाइनी मिरर्स एम्ब्रॉयडरीड इन टू द क्लोथिंग, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क भी किया है। देर आर ऑल्सो मेरी गो राउंड राइड्स, फोटोग्राफर स्टॉल्स, मैजिक शोज एंड टैटू आर्टिस्ट, वो अट्रैक्ट अ लार्ज वेराइटी ऑफ विजिटर। तो विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए चकडोड़े, फोटो खींचने वाले की दुकान है, जादूगर है, टैटू बनाते हैं, ये सब चीज़ मेले में है तरणेतर के मेले में। दिस फेयर इज हेल्ड, देखो पैसिव स्ट्रक्चर है। द फेयर इज हेल्ड फॉर 3 days एवरी ईयर ड्यूरिंग द हिंदू कैलेंडर डेट्स ऑफ भादरवा सुद चौथ पांचम एंड छठ। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अगस्त और सितंबर महीने में ये मेला लगता है एवरी ईयर फॉर 3 days। द तरणेतर फेयर इज हेल्ड 8 kilometers फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, जो हमने बोर्ड पे देखा था। दिस इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गेज लाइन। तो एक रेलवे का नाम है अहमदाबाद हापा, वो ट्रेन इधर आती है। द नियरेस्ट टाउन विद रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड से जाना है तो भी आप जा सकते हो। टू अदर प्लेसेज इज चोटीला 25 kilometers फ्रॉम थानगढ़ विच इज कनेक्टेड बाई ST बसेज फ्रॉम राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद और पोरबंदर। देखो डिस्टेंस लिखा है, आप बस से भी जा सकते हो, ST बस उधर अवेलेबल है, सरकारी बस। फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रीच्ड आइदर वाया राजकोट अ ट्रिप ऑफ 264 kilometers और वाया बोटाद अ शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 kilometers। चोटीला, थानगढ़ एंड तरणेतर आर वेल कनेक्टेड बाय ST बसेस एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज राजकोट 75 kilometers अवे। इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो राजकोट एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं, बस की ST की भी सुविधा है। द कोलीज ऑफ सौराष्ट्र, एक ट्राइबल ग्रुप है सौराष्ट्र का, इनिशिएटेड मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलास, अम्ब्रेला को एम्ब्रॉयडरी करना, विच आर एक्विसाइटली मतलब ब्यूटीफुली एलोब्रेट, एलोब्रेट मतलब डिटेल एकदम, इन टर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स। एम्बेलिशमेंट का मतलब है डेकोरेशन, तो वो डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हैं एम्ब्रॉयडरी से, एकदम ब्यूटीफुली डिटेल में। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज यूनिक एंड राइजेस फ्रॉम द एजिस ऑल द वे टू द टॉप विथ बीड वर्क एंड पेच वर्क इन द डिज़ाइन एज वेल। स्मॉल कलरफुल हैंडकरचीफ्स आर अटैच्ड ऑल अराउंड द एज। तो अम्ब्रेला में एकदम डिटेल में एम्ब्रॉयडरी किया है, कलरिंग हैंडकरचीफ भी साइड में लगाए हैं टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, ताकि लोगों का ध्यान उधर जाए जब अम्ब्रेला घूमे तब। देयर इंटेंशन इज टू एंटाइस, एंटाइस का मतलब अट्रैक्ट द गर्ल्स विद देयर आर्ट क्लोथ्स एंड हेड गियर एंड इम्प्रेस देम सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट बिफोर द फेयर इज ओवर दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, मेला पूरा होने से पहले ये कोली लोग अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, इम्प्रेस करते हैं उन्हें, अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली अम्ब्रेला से, अपने डांस से इम्प्रेस करते हैं, फिर इम्प्रेस होती है लड़की तो उसे प्रपोज करते हैं शादी के लिए। तो ये एक यूनिक मेला है जिसके बारे में हमने डिटेल में देखा। इस पैराग्राफ में ट्रांसपोर्टेशन का बताया है कितना किलोमीटर दूर है लोकल जो ये सब चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।